नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण, फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी लोट्स ऑफ वीडियोज आती रहती हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप सभी के सामने न्यू वीडियो लेके आया हूं, जिसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स कहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एवरीडे 9 PM पर हमारी वीडियोज आती रहती हैं, इसलिए यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं उसे नंबर 8 कहते हैं, जिसे शनि का नंबर माना जाता है। 8 नंबर के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। इस मूलांक के व्यक्ति प्राय अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये लोग प्रचार प्रसार से दूर एकनिष्ठ होकर अपने कामों में लगे रहते हैं। ये हर बात को गंभीरता से सोचते हैं। ये शांत, गंभीर व निश्चल प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसे पॉजिटिव ट्रेड्स एंड नेगेटिव ट्रेड्स के कहते हैं। चलो आइए चर्चा करते हैं। पॉजिटिव ट्रेड्स, ऐसा इंसान गुड जज होता है, अच्छा जज होता है, प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है, रिजर्व्ड होता है। ऐसा इंसान लिमिटेड बातों को सोचता है। नेगेटिव ट्रेड्स में ऐसा इंसान मेटरलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा लग जाता है। नंबर 8 की अगर आप शेप को भी देखेंगे तो वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से वो खत्म होता है, इसीलिए इसे कर्म का भी नंबर कहा जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म फल दाता, इसलिए नंबर 8 को कहा जाता है। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्ष।